हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो। आज हम बनाएंगे ब्रेड कटोरी चाट, जो एकदम देखिए होटल से भी ज़्यादा बेहतरीन है, एकदम चटपटी। क्यों ना आज हम घर में ही बनाएं, जो बच्चों को भी और बड़ों को भी पसंद आएगी। ये आप कभी भी किसी भी मौसम में बना सकते हो, किसी भी समय भी बना के खा सकते हो। तो क्यों ना आज हम इसको घर में ही आसान तरीके से बनाएंगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये हेल्थी है, घर में ही घर की चीज़ों से बनाई गई है, ये किसी को भी नुकसान नहीं करेगी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। और संतोषी माँ की रसोई में आप सबका स्वागत है। सबसे पहले हम गैस पर कढ़ाई रखेंगे, इसमें 2 टेबलस्पून तेल डालेंगे और थोड़ी सी मैं इसमें जीरा डाल रही हूँ, थोड़ी सी हरी मिर्च, लहसुन अदरक का पेस्ट। अगर आपको लहसुन अदरक नहीं खाना है तो आप स्किप भी कर सकते हो। इसको हम अच्छे से सेकेंगे। मैंने एक ये छोटा सा प्याज लिया है, ये भी मैंने इसमें डाल दिया है, इसको भी हम ब्राउन होने तक सेकेंगे। 3-4 पत्ते मैं इसमें कड़ी पत्ते डाल रही हूँ, इसको भी मैं अच्छे से सेक लेती हूँ। पत्ता गोभी को मैंने बारीक बारीक काट लिया है, वो भी मैं इसी में ऐड कर रही हूँ। 1 गाजर लिया जिसको मैंने बारीक बारीक काट लिया है, इसको भी मैंने डाल दिया है। हरी मटर डाल रही हूँ। 1 छोटा आलू जिसको मैंने बारीक बारीक काट लिया है, इसको भी मैंने इसी में डाल दिया है। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करके इसको थोड़ा सा सेकूँगी। नमक स्वाद अनुसार, 1 चम्मच धनिया पाउडर, रेड चिल्ली पाउडर, तीखा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हो, हल्दी पाउडर, आमचूर पाउडर, गरम मसाला। इसको अच्छे से मिक्स करूँगी और इसको पकने के लिए छोड़ देते हूँ। हम उस बर्तन को तैयार कर लेते हैं जिसमें हम ब्रेड कटोरी बनाएंगे। ये मैंने घी डाल दिया है और इसको चारों ओर से अच्छे से फैला दिया है। अब मैं इसमें सूखा आटा डालूंगी गेहूं का और उसको भी चारों ओर से अच्छे से फैलाऊंगी ताकि हमारी ब्रेड नीचे से जले नहीं। ये हमारा बर्तन तैयार हो गया है। तो हम अपनी सब्जी को देख लेते हैं, हमारी सब्जी अच्छे से पक गई है। अब मैं इसमें 1 चम्मच पिज़्ज़ा सॉस डाल लूँगी और 2 चम्मच टमाटो सॉस और 1 चम्मच ग्रीन चिल्ली सॉस डालूँगी और थोड़ा सा लेमन जूस डालूँगी इसको अच्छे से चटपटा बनाने के लिए। ये अब मैं सारे मसाले अच्छे से मिक्स कर ली हूँ, हमारी सारी सब्जी चटपटी बन गई है। अब मैं इसमें हरा धनिया पत्ता काट के डाल दिया है, इसको भी मैं अच्छे से मिक्स करूँगी। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। ये हमारा ब्रेड में कटोरी चाट बनने के लिए मसाला एकदम तैयार हो गया है। अब मैं 2-4 ब्रेड लूँगी, ब्रेड के चारों ओर से किनारियाँ इस अच्छे से निकाल लूँगी। अब मैं ब्रेड के चारों ओर से निकालूंगी, निकाल के मैं साइड में करूंगी। आप इसको फेंके नहीं, ब्रेड के साइड में निकाले हुए कि मैंने केक बनाया हुआ है, आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हो। ये देखिए मैंने ब्रेड के चारों ओर से अच्छे से निकाल लिया है। अब मैं इसके ऊपर घी लगा रही हूँ, अच्छे से चारों ओर से घी फैलाऊँगी इसके। अब इसमें मैं टमाटो सॉस और चिल्ली सॉस मैंने दोनों मिक्स कर दिया है, अब मैं इसके ऊपर अच्छे से फैलाऊंगी। अब हम ब्रेड के ऊपर अच्छे से फैला लेंगे। ये देखिए मैंने फैला के तैयार कर दी हैं। अब मैं इस ब्रेड को इस बर्तन में डालूंगी और इसको अच्छे से सेट करूंगी। ये मैंने सारी ब्रेड इसमें अच्छे से सेट कर ली हैं। अब मैं इसमें सब्जी डाल रही हूँ, सभी में मैं सब्जी डाल दिया है। अब मैं इसके ऊपर बटर लगा रही हूँ ताकि ब्रेड में और भी अच्छा टेस्ट आए और क्रंची कटोरी चाट बने। ये मैंने रख दिया है। अब मैं इसके ऊपर रेड चिली फ्लेक्स लगा रही हूँ। अगर आपको रेड चिली फ्लेक्स नहीं पता बनाने का तो मैंने इसकी वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर की हुई है। ये हमारी ब्रेड सेट हो गई है। उससे पहले मैंने गैस पे कढ़ाई रख दी थी नमक डाल के। नमक और कढ़ाई हमारी दोनों चीज़ गर्म हो गई हैं
अब मैं इसके ऊपर ये बर्तन सेट करूँगी और इसको 5 मिनट लो फ्लेम पर अच्छे से बेक करूँगी। 5 मिनट हो गई हैं, हमारी ब्रेड कटोरी चाट बनके तैयार हो गई है। अब मैं इसको दूसरे बर्तन में निकाल लेती हूँ। अब इसके ऊपर हम छोटे छोटे कच्चे प्याज काट के लगाएंगे, थोड़ा सा हरा धनिया से सजाएंगे। हरा धनिया लगाने से देखने में भी सुंदर लगता है और खाने में भी ये और भी ज़्यादा मज़ेदार बनती हैं। थोड़ा सा इसके ऊपर मैं काली मिर्च छिड़क रही हूँ। इसको और अच्छे टेस्टी बनाने के लिए मैं इसके ऊपर टमाटो सॉस लगा रही हूँ। अगर आपको टमाटो सॉस ज़्यादा पसंद है तो आप इसके ऊपर और ज़्यादा भी डाल के इसका फुल आनंद उठा सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी ब्रेड कटोरी चाट बनके तैयार हो गई हैं। ये हमने घर के ही सामान में बनाया है, ये एकदम हेल्थी हैं। वाह, ये देख के तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है। क्या दोस्तों, आपके मुंह में भी पानी आ रहा है? तो एक बार आप भी जरूर ट्राई कीजिए और अपने एक्सपीरियंस को कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।